जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपको किस कंपनी का माइक्रोस्कोप लेना चाहिए। हमारे पास कई भाइयों के कमेंट्स आते हैं कि हमको किस कंपनी का माइक्रोस्कोप लेना चाहिए और माइक्रोस्कोप अगर हम ले रहे हैं तो हमको उसमें क्या क्या चीज़ देखना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट माइक्रोस्कोप आपको किस तरह से लेना चाहिए और आपको उसमें क्या क्या चीज़ देखना होता है। दोस्तों, हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है वो MC75T है, जो कि आपका 15 से 16 हज़ार रुपये के बीच में आपको ये मिल जाता है, जो कि कैमरा ऑप्शन आपको मिलता है। दोस्तों, इसमें आपको क्या क्या चीज़ साथ में आता है, तो देखो यहाँ पर आपको एक लाइट मिलता है इस टाइप का, ठीक है। इसके नीचे आपका एक लेंस लगता है, यहाँ पर आपको दो टाइप लेंस की रिक्वायरमेंट आपको मिलती है, 0.5 या 0.7। दोस्तों, आपको यहाँ पर 0.5 लगाना है। 0.5 से बेनिफिट क्या है, 0.5 अगर आप लेते हैं तो इससे इसका हाइट बढ़ जाता है, इससे आप SMD चलाएंगे तो आपका SMD आराम से सीधा हो जाता है, मतलब आप आराम से आईसी को निकाल सकते हैं। अगर आपने 0.7 लेंस लिया तो उससे हाइट आपकी कम हो जाएगी, फिर वहां पर आपका SMD चलाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले आपको जब भी माइक्रोस्कोप आप यूज करें तो पहले आपको यहाँ देख लें, जो आपके ये लेंस हैं, इस लेंस पर कम से कम आपका 10x20 का ये लेंस होना चाहिए, जो कि हमने जब ये लिया था इसको 3 साल हो चुका है, ये बहुत अच्छा काम करता है। MC75 जो कि पुराना मॉडल है मैकेनिक का, फिर भी आज ही तक ये अच्छा काम कर रहा है। इसमें लेटेस्ट भी आया है जो कि मॉस करके है, ठीक है, वो भी मैकेनिक का ही, इसमें 3D है। 3D में दोस्तों केवल इसका जो जूमिंग पावर है वो थोड़ा सा इससे हाई होता है, मतलब 10x22 होता है, बट हम इससे ही बहुत अच्छा काम करते हैं, ये भी अच्छा काम करता है। दोस्तों, सभी कंपनी के माइक्रोस्कोप अच्छे होते हैं, केवल उसमें माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ नहीं होता है, केवल सिवाय लेंस के, इनमें केवल लेंस ही लगे होते हैं। अब हमने जो लिया था 3 साल के अंदर, इसमें जो खराबी आई है केवल मात्र इसके अंदर, हम जब देखते थे तो हमको यहाँ पर कुछ धुंधला दिखता था, मतलब हल्का सा धुंधला टाइप दिखता था। तो केवल हमने क्या किया, केवल हमने इसको खोला और यहाँ पर इसके दो लेंस होते हैं, उन लेंसों पर डस्ट चले जाने पर आपको यहाँ पर प्रॉपर इमेज नहीं आता, तो हमने उसको कॉटन की मदद से साफ कर लिया। अब हमारा एकदम परफेक्टली हमको यहाँ पर दिख जाता है, जबकि हम मॉस का भी हमारे पास है, उससे हम 3D को यूज नहीं करते, जबकि हमको ये बेस्ट लगता है, इसका रिजल्ट एकदम अच्छा है, जो कि MC75T है। दोस्तों, और माइक्रोस्कोप के बारे में जान लेते हैं, वीडियो का एंड तक देखना, तभी आप समझ पाएंगे माइक्रोस्कोप के साथ साथ किस किस तरह के टूल्स आपको मिलते हैं और कंपनी के अंदर। चलो दोस्तों, सेम टाइप का रिलेफ कंपनी का भी आता है, जो कि एज अ मैकेनिक जैसा होता है, MC75T जैसा, जिसमें भी सेम आप दे सकते हैं, डिट्टो हूबहू इसका जैसा ही है, ये भी अच्छा काम करता है, ये भी सही है रिलेफ का भी, पर हम मैकेनिक यूज करते हैं। मैकेनिक का सेकेंड जो आया है वो मॉस है, जो कि ये सुपर है और ये भी, इसमें थोड़ा सा लेटेस्ट फ्यूचर है और ये भी सुपर है, आप चाहे ये भी ले सकते हैं, इसका भी कॉस्ट समथिंग कुछ होगा, आप अपने शहर में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद रिलैप का ये मॉडल तो हम देख चुके हैं, इसके बाद रिलैप के और भी मॉडल आते हैं, जैसे कि ये है बूम स्टैंड में, जो कि सिंपल है, ये 3D नहीं है। इसके बाद ये आपका रिलैप का देख सकते हैं, ये इस तरह का होता है। दोस्तों, बूम स्टैंड से बेनिफिट ये है कि आप इसे किसी भी एंगल या डायरेक्शन पर आप इसको सेट कर सकते हैं, अगर आपके काउंटर पर जगह कम है तो, इसीलिए ये आप ले सकते हैं अगर आपका पास स्पेस ज़्यादा है। इसके बाद मैकेनिक का ये आया है, जो कि 3D है और इसका बेस्ट रिजल्ट है, जो कि गजब का काम करता है। इसका 3D का मतलब इसमें जूमिंग पावर पहले की अपेक्षा हाई है, ये भी एक अच्छा है, आप चाहें तो ये ले सकते हैं, ये आपको 20,000 समथिंग आपको पड़ेगा, ठीक है। और इसमें अगर आप सिंपल लेते हैं, जो कि 3D ना होकर, जो कि 3D नहीं है, उसमें ये नॉर्मल है, ये आपका मॉस है, जो कि ये भी गजब का काम करता है, इसका भी बेस्ट रिजल्ट है, चाहें तो आप ये ले सकते हैं। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।